गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे फेवरेट यूट्यूब चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट जो चैप्टर है ना, उसको फिनिश किया है, बड़े ही अच्छे से फिनिश किया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। स्टूडेंट्स, जो भी हम क्वेश्चंस करते हैं ना, उसका आप लोग जो बहुत बेहतरीन जो रिस्पांस करते हो, बहुत बहुत शानदार है। इनमें से देखिए कुछ बच्चों का, जैसे मैं बताऊं अगर, तो बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई आए हुए हैं। मैं बताना चाहूंगा, नाम है अंशु शर्मा, बहुत अच्छे से लिखा है इसने बच्चे ने, अंशु शर्मा। हर्बेरियम का साइज होता है 11.5 से 16.5, वेरी गुड, यानी कि 11.5 to 16.5, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। उसके बाद में है गोविंद कुमार भुजक, बेटा आपने भी बहुत अच्छे से रिस्पांस किया है, सारे क्वेश्चंस एकदम अच्छे से लिखा हुआ है, हर्बेरियम का साइज, विधि, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। फिर बात करें मुकेश शर्मा सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक यू सो मच। देखिए, मैंने जैसे आगे भी कहा था, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे आप जैसे ब्रिलियंट इंटेलिजेंट जो होनहार बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो हमें मिले हैं, है ना। तो थैंक यू, मैं आपको भी बोलता हूं कि बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। उसके बाद में राकेश सिरवी, हाँ बेटा वेरी गुड, बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया है आपने भी। सर फिजिक्स की क्लास कर देंगे बेटा, बहुत जल्दी फिजिक्स की क्लास भी शुरू करेंगे। बेस्ट जो फैकल्टी है उसकी खोज अभी जारी है, जैसे ही ये इंटरव्यू वगैरह कंप्लीट हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपकी सारी क्लासेस रेगुलर लगा दी जाएगी। आप इस चीज से निश्चिंत रहें, जो भी क्लासेस लग रही है ना, उसको अभी आप मजे के साथ में, एंजॉय के साथ में लें, और ये जो है ना क्लासों वाला मैटर आप सर पर छोड़ दीजिए, ये सर की टेंशन है ना। बट हाँ, आपका कहना भी सही है कि सर नियमित रूप से क्लास होनी चाहिए, एकदम होनी चाहिए, तो आपके लिए बेटा बेस्ट से बेस्ट जो फैकल्टी है वो सर लाने की कोशिश करते हैं, और बहुत जल्द ही, है ना, यूं मान लो कि उल्टी गिनती स्टार्ट है, बहुत जल्दी ही बहुत अच्छी फैकल्टी फिजिक्स की या जितने भी सब्जेक्ट जो रिमेनिंग है उन सब की भी लगा दी जाएगी, आप निश्चिंत रहे बेटा। उसके बाद में बात करें, गुड मॉर्निंग, बहुत से ऐसे बच्चे हैं, देखिए लिस्ट ज्यादा बड़ी है, तो अपन जो जो बेस्ट स्टूडेंट थे, है ना, इन सबको धन्यवाद, थैंक यू। देखिए इस तरीके से आपके हर एक जो बच्चे हैं, हर एक का बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स आता है, बहुत अच्छे से आप लोग सीख रहे हो, तो मैं यही आशा करता हूं कि आपको हर एक जो टॉपिक जो आप लोग पढ़ रहे हो, है ना, आपको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। कारण कि आपके जो कमेंट्स हैं, है ना, आपके जो कमेंट्स है, उस बात से आइडिया हो जाता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। सर नोट्स, देखिए बेटा नोट्स आपको हर एक चैप्टर के अवेलेबल मिल जाएंगे, टेंशन ना लें, उसका वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है कंटिन्यू, और कुछ चैप्टर जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो रखा है, इसी तरीके से अगर आप देख रहे हैं मेरे पीछे, है ना, तो सेकंड चैप्टर भी विद नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और जो पीछे के जो रिमेनिंग चैप्टर्स थे जिनको हमने कर लिया है, तो उनके भी नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स कैसे मिलेंगे वो आपको सर बताते रहेंगे, एप्स पर जो अपना ना, वहां पर आपको सारे इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो आप नोट्स के प्रति निश्चिंत रहें, है ना, नोट्स आपको जरूर मिल जाएंगे, सारे मिलेंगे, है ना, और सभी सब्जेक्ट के मिलेंगे, आप टेंशन ना लें। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे से लोगों, आप सब बच्चों ने रेस्पॉन्स किया है, नाइस टीचिंग, थैंक यू सो मच। परवीन मेघवाल, थैंक यू बेटा। गीता, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। देखिए फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इतना प्यार, इतना स्नेह हम लोगों को दे रहे हो, है ना, तो फिर से अगेन पूरी इंटायर टीम की तरफ से, मेरी तरफ से थैंक यू सो मच। तो स्टूडेंट्स, आपके इसी प्यार विश्वास के साथ आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, और न्यू चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत शानदार है, ठीक है, इसके हर एक जो इंपॉर्टेंट पहलू है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको ये चैप्टर भी बहुत मजे के साथ में, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्लियर, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, क्लासिफिकेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, देखिए अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकेंड जो चैप्टर है, जीव जगत का वर्गीकरण। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो, है ना, अगर आपको याद हो तो हमने फर्स्ट चैप्टर में
फर्स्ट चैप्टर में हमने बात की थी कि जो भी सजीव है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अपने अपने स्पेसिफिक करैक्टर होते हैं, लाइक रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये जितने भी सिस्टम्स हैं, है ना, इनके जो एक्टिविटी है, जैसे कि पाचन, श्वसन, परिसंचरण, जनन, इन सबको आधार में रखते हुए, है ना, इन सबके बारे में ध्यान में रखते हुए उन हर एक जीव का वर्गीकरण किया जाता है ना। तो इसी क्रम में अब हम बात कर रहे हैं, इसी क्रम में देखिए फ्रेंड्स, अपन बात कर रहे हैं, देखिए स्टार्टिंग से अगर बात करें तो जो भी जीव है, गौर कीजिएगा, हमने आगे भी बात की हुई है कि कहीं पर भी जीव शब्द का लिखा हुआ हो, है ना, तो जीव में हमने बात की हुई है कि हाँ प्लांट और एनिमल, उन दोनों की एक साथ बात की जाती है ना, अंग्रेजी में कहते हैं लिविंग बींग्स, और लिविंग बींग्स कौन होते हैं अभी, ऑल प्लांट एंड एनिमल और इंक्लूड ह्यूमन, राइट। तो देखिए जीव जगत टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी सजीव है, उनका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसके ऊपर हम आज चर्चा कर रहे हैं, राइट। अब देखिए जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई थी ना, स्टार्टिंग से अगर बात करूं तो मानव ने खुद अपने सुविधा के लिए वर्गीकरण स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहला वर्गीकरण पता है क्या हुआ, जैसे अगर बात करें ना कि ये आदमी है, ये औरत है, तो ये चलन में आना स्टार्ट हो गया, उनमें विभेद होना स्टार्ट हो गया उनके लिंग के आधार पर। उसके बाद में बात करें जैसे पौधे, जंतु, है ना, तो कहने का मतलब है जब मानव सभ्यता स्टार्ट हुई तो मानव ने अपनी सुविधा के लिए जीवों को या जो प्राकृतिक जो चीजें थी उनको अलग अलग बांटना स्टार्ट कर दिया। तो इसी क्रम में बात करें तो प्राचीन जो मनुष्य, जैसे अभी मैंने बताया था, अपनी उपयोगिता के आधार पर, मतलब यूजेज क्या है, जैसे पालतू जानवर है ना और जंगली जानवर, तो भी जो जंगलों में रहते थे जिनको पाला नहीं जा सकता था, जैसे शेर है ना, भालू, ये सब जो भी है, तो उनको जंगली जानवर के अंदर काउंट किया गया। और फिर जो धीरे धीरे जो पालतू बन गए, जैसे गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, है ना, घोड़ा, ये जो थे वो फिर दो क्लास बन गए, एक जंगली जानवर और एक पालतू जानवर, है ना। तो वो क्या था, उनकी उपयोगिता के आधार पर। जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे गायों से उन्होंने दूध लेना स्टार्ट कर दिया, है ना, बकरी या मुर्गी जो भी थे उनसे मांस वगैरह उनको मिलने लग गया, तो उनके यूजेस और अनयूजेस, है ना। तो स्टार्टिंग अगर बात करें तो जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की जो नींव पड़ी थी ना, जो नींव पड़ी थी वो क्या थी, यूजेज एंड अनयूजेज के अकॉर्डिंग, यानी कि उपयोगिता और अब अनुपयोगिता के आधार पर उनको वर्गीकरण वो किया करता था, ठीक है। फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ी और धीरे धीरे चले, तो क्या किया उन्होंने, उन्होंने भोजन, वस्त्र, उनका जो आवास यानी कि घर थी, है ना, तो वो सब क्या थे, उनके मस्ट फर्स्ट प्राइमरी नीडेड मैटर्स थे, यानी कि प्राथमिक रूप से जो आवश्यकता थी, अपने जैसे कहा था ना, रोटी कपड़ा और मकान, है ना, रोटी कपड़ा और मकान, तो बस वही चीज है, रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो भोजन, वस्त्र और आवास, यानी कि फूड, जो भी उनके क्लॉथ वगैरह है, और उनके हैबिटेट, तो वो जो था, है ना, वो उस वक्त का जो मनुष्य था वो इन चीजों को ज्यादा प्राथमिकता देता था। पहले पैसे नाम की कोई झंझट नहीं थी भाई, है ना, हो पैसा हाई पैसा ऐसा कुछ नहीं था, है ना। तो ये मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं आज भी एक आम आदमी को इसकी बहुत जरूरत है, और हर एक आम आदमी इसी के पीछे भागता है ना। खैर, तो बात करें तो प्राचीन जो मनुष्य है वो सजीवों को प्राथमिकता देता था, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को, बेस क्या था, भोजन, वस्त्र और आवास। अब इसी क्रम में और आगे बात करें तो देखिए प्राचीन जो मनुष्य है उसने वर्गीकरण स्टार्ट किया, लेकिन साइंटिफिक रूप से, है ना, वैज्ञानिक आधार के रूप में बात करें तो वैज्ञानिक आधार के रूप में अगर यूज बात करें तो सबसे पहले फ्रेंड्स नाम आता है अरस्तु महोदय का। किसका आता है, अरस्तु का। अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं, है ना, अरस्तु को एरिस्टोटल भी कहते हैं, ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस साइंटिस्ट रहे हैं अपने जमाने के, है ना, अभी भी इनको बहुत अच्छे से लोग पूछते हैं ना, उनको काफी ख्याति प्राप्त है, काफी फेमस साइंटिस्ट है ये अरस्तु।
और अरस्तु को ही और क्या कहते हैं, एरिस्टोटल भी कहा जाता है। तो इन्होंने क्या करा, वैज्ञानिक जो मापदंड है यानी कि साइंटिफिक जो बेस है वो जो स्टार्ट किया था वो अरस्तु ने किया था। तो अगर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वैज्ञानिक मापदंड है ना, वैज्ञानिक आधार के आधार पर वर्गीकरण करने का जो श्रेय है, क्रेडिट है, किसको जाता है, वो जाता है अरस्तु महोदय को। अरस्तु ने क्या करा है पता है, उन्होंने क्या करा कि जो जितने भी पेड़ पौधे हैं उनके आकार के लक्षण, अब आप देखें, अब अगर आप कभी कोई गार्डन में जाए या जंगल में जाए है ना, या अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखें, तो आपको कई प्रकार के पेड़ पौधे दिखेंगे, जैसे झाड़ी है ना, पेड़, और बहुत जिसको कह सकते हैं ना कि दूब घास के रूप में, बरगद वगैरह, उनके जो बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं वो सारे। तो कहने का मतलब है कि आकार के लक्षणों के आधार पर जो ग्रुप उन्होंने डिसाइड किया था वो साग, झाड़ी और वृक्ष है ना, वो डिसाइड किया था। अब देखिए बात आती है सर, साग क्या है, झाड़ी क्या है, वृक्ष। तो देखिए झाड़ी और वृक्ष में तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और साग जो है झाड़ी का एक छोटा सा रूप है, मतलब छोटी हाइट का जो पौधा जिसको कह सकते हो है ना, तो वो इसके अंदर आता है। क्लियर? तो इन्होंने क्या करा, अरस्तु महोदय ने क्या करा कि आकार की है ना, बाह्य जो लक्षण थे सामान्य लक्षण, कि पौधे की हाइट क्या है ना, उसका बाहर का स्वरूप क्या है, उस आधार पर इन्होंने इसको तीन भागों में बांट दिया। इसी क्रम में और बात करें, इन्होंने प्राणियों को भी बांटा, भी इन्होंने क्या करा, जो भी एनिमल थे एनिमल्स को भी इन्होंने डिवाइड किया, और पता है बेस क्या रखा, वो बेस रखा उनके रक्त यानी कि ब्लड के आधार पर। किसके आधार पर रखा, ब्लड के आधार पर भी उनको क्लासिफाइड किया, यानी कि अगर ब्लड है, यानी कि ब्लड में भी कौन, भी आरबीसी है ना, ब्लड में भी कौन, ब्लड में अगर बात करें तो आरबीसी है ना, तो आरबीसी कौन है भाई, रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिकाएं है ना, उसी को रक्ताणु कहते हैं, और इसी का एक नाम और है इरिथ्रोसाइट्स। तो इनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी जंतुओं को है ना, प्राणियों को दो भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा फ्रेंड्स, दो भागों में, एक इनइमा और एक एनाइमा है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर लाल रक्त वाले प्राणी जो हैं उनको एक ग्रुप में रखा गया, और जिसमें लाल रक्त नहीं था उनको अलग ग्रुप में रखा गया। तो फ्रेंड्स अपने को पता है कि आरबीसी जो है, इस आरबीसी से ही जो रक्त का जो रंग है वो क्या होता है, लाल रंग होता है। क्या होता है, लाल रंग होता है ना। यहां एक थोड़ा बता दूं, ये लाल रंग होता है क्यों फ्रेंड्स, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण है ना, हीमोग्लोबिन की वजह से इनका जो आरबीसी का जो रंग है वो क्या होता है, लाल यानी कि रेड। इसीलिए तो उसको रेड ब्लड कॉर्पल्स कहते हैं, राइट, यानी कि रक्ताणु कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां अगर स्टार्टिंग से बात करें, तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, और वैसे इसका नोट्स जो है वो आपको अपनी जो ऐप है उस ऐप पर भी लगातार आपको मिलते जाएंगे है ना। चलो उसके बाद में और आगे बात करें, देखिए उसके अलावा जो अरस्तु महोदय है, अरस्तु जो महोदय है, एरिस्टोटल जो है, इन्होंने क्या करा कि प्राणियों को उनकी गति के आधार पर, यानी कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, जो जीव जंतु जो है वो चलता कैसे है, गति कैसे करता है, उसके आधार पर भी इन्होंने आगे बांटा, पहले कि चलने वाले या रेंगने वाले। तो देखिए रेंगने वाले कहते ही हमारे दिमाग में कौन आता है, सांप। ठीक इसी तरीके से तैरने वाले, अब देखिए तैरने वाले कहते ही दिमाग में पिक्चर सीधी सीधी आती है कि मछलियां, यानी कि वह जंतु जो पानी में तैर सकता हो, और भी है लेकिन मुख्य रूप से बात करें ना, तो पानी में तैरने वाले जीव या पानी में पाए जाने वाले जीव की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में हमारे दिमाग में आता है मछली। उसके अलावा और भी है ना, ऑक्टोपस, स्टारफिश वगैरह वगैरह। तो इन्होंने क्या करा कि एक रैंक करके और चलने वाले, यानी कि जो चार पैर वाले जंतु है या दो पैर वाले, जैसे मनुष्य की बात करें वो है, या जो रैंक करके चल रहा है, तो उनको सबको इस एक ग्रुप में रखा गया है ना, मगरमच्छ, घड़ियाल वगैरह वगैरह। उसके तरह तैरने वाले आपके मछलियां हैं, ऑक्टोपस, स्टारफिश और अदर जो भी हैं, हाइड्रा वगैरह, उन सबको इस पर रखा गया। उसके अलावा उड़ने वाले यानी कि जो पक्षी वर्ग है, जिसको आज हम वर्तमान में क्या कहते हैं, पक्षी वर्ग, तो जितने भी उड़ने वाले जीव है ना, तो उनको भी उन्होंने एक अलग ग्रुप में रखा। तो कहने का मतलब है
अरस्तु महोदय अपने समय के बहुत बहुत ब्रिलियंट एक शख्सियत थे, एक इंसान थे जिन्होंने हर एक क्षेत्र में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट काम किए। इसीलिए तो फ्रेंड्स देखिए अरस्तु के बारे में हम और थोड़ी जानकारी देख लेते हैं कि अरस्तु जो महोदय है ना, अरस्तु महोदय की अगर बात करें तो ये इनका जो जीवन अवधि है, इनका जो जीवन काल जो है, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, आपके अरस्तु महोदय ये आपके 384 से 322 बीसी तक का होता है, है ना। ये इनका लाइफ ड्यूरेशन है, यानी कि ये इनके बर्थ का है और ये डेथ का डेट है ना, कि 384 बीसी के अंदर इनका जन्म हुआ था और धीरे धीरे 322 अगर बात करें ना, 322 बीसी में इनकी डेथ हो गई थी, है ना। तो ये एक तो इनकी जीवन अवधि होगी, उसके अलावा और बात करें फ्रेंड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अरस्तु को प्राणी विज्ञान का क्या कहा जाता है, अरस्तु को प्राणी विज्ञान का पितामह कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। क्या कहते हैं, इधर देखिए भी, फादर ऑफ जूलॉजी, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखना। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इजी है ना, बट फिर भी हम कई बार गलती कर देते हैं, तो इस बार गलती की कोई गुंजाइश अपने को नहीं करनी है, हम ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे जिसमें हमारी गलती हो, है ना। पूरी कोशिश रहेगी कि हर एक क्वेश्चन आप बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें। तो देखिए अरस्तु की बात करें तो मैंने जैसे भी बताया था कि इनका जो जन्म है 384 से 322 बीसी तक का उनका लाइफ टाइम रहता है, और इनको अरस्तु को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जूलॉजी। उसके अलावा और बात करें इनको फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि जीव विज्ञान। बायोलॉजी को क्या कहते हैं अभी, जीव विज्ञान का जनक क्या कहा जाता है अभी, अगर हिंदी में बात करें तो इनको जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए जीव विज्ञान का जनक कौन, अरस्तु। जूलॉजी यानी कि प्राणी शास्त्र, है ना, प्राणी शास्त्र का जनक कौन, अरस्तु। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान रखना। अब देखिए इसको जनक भी कहते हैं, पितामह भी कहते हैं, और इसी को ही अंग्रेजी में कहते हैं फादर, तो इसमें अपने को कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है, है ना। तो मैं रिपीट करता हूं फ्रेंड्स, अरस्तु को प्राणी विज्ञान यानी कि जूलॉजी का पितामह भी कहते हैं, और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं, है ना। तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी इज अरस्तु, कौन अभी, इट्स कॉल्ड अरस्तु, राइट। अब और देखिए, इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, भी इनकी प्रसिद्ध और फेमस जो बुक है वो है हिस्टोरिया एनिमेलिया, बहुत बहुत फेमस बुक है ये। कौन है ये, इनकी एक फेमस बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया, है ना। इसके अंदर इन्होंने कंप्लीट जो एनिमल्स के बारे में है वो पूरा अच्छे से बताया था, क्लियर। तो एक बार फिर रिपीट करता हूं, अरस्तु उनका जो जीवन अवधि है ना, लाइफ टाइम जो ड्यूरेशन है वो 384 से 322 बीसी, है ना, और इनको फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, राइट। चलो आगे बात करते हैं, इसी क्रम में आगे बात करते हैं। देखिए इनके जो शिष्य रहे हैं वो है थियोफ्रेस्टस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक रहे हैं अपने समय के, बहुत इंपॉर्टेंट, और आज भी इनको हम बहुत पढ़ते हैं, है ना। थियोफ्रेस्टस नाम आते ही ध्यान रखना फ्रेंड्स, दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि थियोफ्रेस्टस जो है ये आपके फादर ऑफ बॉटनी, है ना, वनस्पति जो विज्ञान है उनके जनक या पितामह कौन है, थियोफ्रेस्टस, यानी कि फादर ऑफ बॉटनी, है ना। अब इसी तरीके से इनकी जो प्रसिद्ध फेमस जो पुस्तक यानी कि जो बुक थी वो क्या, कौन सी थी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। कौन सी बुक है फ्रेंड्स, हिस्टोरिया प्लांटेरम। गौर कीजिएगा, हिस्टोरिया एनिमेलिया तो किसने लिखी थी, गुरु कौन, अरस्तु, है ना। और इसी क्रम में इसका चेला यानी कि शिष्य कौन था, आपके थियोफ्रेस्टस, उसने क्या लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम। पता है उसने क्या कहा कि भाई गुरुजी, अगर आप जंतुओं पर लिख सकते हो तो मैं तो आपका चेला हूं, तो मैं क्यों ना पादपों पर लिख दूं, है ना। तो इसीलिए होता क्या था कि भाई उस वक्त की अगर बात करें कि जो चेले हैं, अभी भी है ये चीजें, वो नहीं है कि उस वक्त थी,
अभी भी जो भी शिष्य है उनकी ये रहती थी कि हाँ हम गुरु की हर एक शिक्षा जो भी वो दीक्षा हमें दे रहे हैं उनमें हम पारंगत हो और हमारे गुरु का नाम रोशन करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे जो बड़े ही प्यारे प्यारे होनहार जो शिष्य हैं, जो भी फ्रेंड्स मुझे सुन रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से अपने एग्जाम में बहुत हाई स्कोर करके और हमारे चैनल का जो नाम है ना, जो पॉपुलैरिटी है वो और ज्यादा बढ़ाओगे, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। देखिए रिपीट करता हूं, थियोफेस्टस जो अरस्तु का शिष्य था उसका जो लाइफ टाइम था 370 से 285 बीसी, है ना, 370 से 285 जो बीसी था ये थियोफेस्टस का जीवन अवधि यानी कि जीवन काल था, है ना। ये अरस्तु का शिष्य है और इनको इनको फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। तो देखिए फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी वो तो कौन है, अरस्तु, है ना। तो ये इसका चेला है यानी कि इनका शिष्य, तो वो कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी। उसी क्रम में अरस्तु की जो बुक थी, है ना, अरस्तु की जो बुक थी हिस्टोरिया एनिमेलिया, तो इसी क्रम में इनकी जो बुक है हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो देखो एक एक आपको ट्रिक से बता रहा हूं, देखिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी। और बॉटनी है ना वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान में अपन करते क्या है फ्रेंड्स, हम करते हैं प्लांट्स की स्टडी, प्लांट, है ना। तो देखिए हिस्टोरिया प्लांटेरम रह जाएगा याद, है ना। तो फादर ऑफ बॉटनी, है ना, और बॉटनी में हम किसे कहते हैं, बॉटनी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ प्लांट। तो प्लांट के बारे में स्टडी करना उसको क्या कहते हैं, बॉटनी। तो उसी ट्रिक से आप याद कर सकते हो कि इनकी बुक का नाम क्या है, इनकी बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया प्लांटेरम, हिस्टोरिया प्लांटेरम रह जाएगा फ्रेंड्स याद, है ना। तो हिस्टोरिया एनिमेलिया जो थी वो किसकी थी, वो तो थी इसके गुरु कौन, अरस्तु, और हिस्टोरिया प्लांटेरम किसकी थी, इसके शिष्य यानी कि थियोफेस्टस। क्लियर, चलो और आगे बात करें, और आगे बात करें कि कैरोलस जो लीनियस है, है ना, कैरोलस जो लीनियस है जिसको अगर हमने अगर आपको याद हो फ्रेंड्स तो हमने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है कैरोलस लीनियस को, अगर आपको याद हो तो इन्होंने इन्होंने क्या किया था, द्विनाम पद्धति, है ना। तो उसी क्रम में, है ना, तो इन्होंने एक पद्धति दी थी, उस वो क्या नाम है, द्वि जगत पद्धति। तो देखो इसको मैं यहां लिखता हूं दोनों को, द्विनाम पद्धति। तो देखिए द्विनाम पद्धति भी किसने दी थी, कैरोलस लीनियस ने, और द्वि जगत सिद्धांत भी किसने दिया था, कैरोलस लीनियस ने, रह जाएगा याद। तो कुल मिलाकर के आप इसको यूं देख सकते हो, कैरोलस लीनियस ने दो, है ना, दो का जो आंकड़ा था वो उसको बहुत पसंद था भाई, है ना, कैसे, द्वि जगत पद्धति भी इसने दी थी और द्विनाम जो पद्धति है वो भी इसने दी थी। क्लियर, चलो तो देखिए इसने क्या करा, इसने क्या करा कि जितने भी जो जीवित जो थे, है ना, सजीव और लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनको दो भागों में, एक तो प्लांटी यानी कि पादप जगत और दूसरा बांटा था उन्होंने जंतु जगत, दूसरा क्या था, जंतु। तो देखिए फ्रेंड्स एक फर्स्ट तो क्या था, पादप जगत यानी कि प्लांटी, और दूसरा दूसरा क्या था आपके, जंतु जगत यानी कि एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी किंगडम एनिमेलिया, यानी कि कैरोलस लीनियस ने जितने भी सजीव थे उनको दो भागों में बांट दिया भाई, जो पेड़ पौधे थे उनको एक ग्रुप में रख दिया और जितने भी जंतु थे उनको अलग कर दिया, ठीक है। तो ज्यादा इन्होंने माथापोड़ी नहीं की, इन्होंने समानताओं के आधार पर कि जो पेड़ पौधे थे उनको अलग और जंतु अलग। तो यही कारण है कि आज आज भी हम पादपों को अलग पढ़ते हैं और जंतुओं को अलग पढ़ते हैं। पादपों के अध्ययन को क्या कहते हैं, बॉटनी, और इसी क्रम में जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, जूलॉजी, राइट। चलो अब और आगे बात करें कि जो ये द्विजगत जो पद्धति दी थी उसमें कुछ कमियां थी भी, उन्होंने उसमें कुछ कमियां छोड़ दी थी, है ना, कोई ना कोई मिस्टेक हो गई थी। तो मिस्टेक क्या थी कि इनके अंदर इस द्विजगत पद्धति में कहीं पर भी ये हम नहीं जान सकते कि वो जो जीव है यानी कि पौधा या एनिमल, वो जो है वो आपकी प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, वो हम अंतर नहीं कर सकते थे। कारण क्या था, देखिए इन्होंने दो बनाया था, दो जगत बने, एक क्या बनाया था, जगत, जगत आपके पादप, और दूसरा
दूसरा इन्होंने लिखा था जगत देखिए एक लिखा था उन्होंने जगत पादप और दूसरा जो था वो था फ्रेंड्स जगत जंतु। ठीक है, अब इसमें इसमें फ्रेंड्स कहीं पर भी ये पता नहीं चलता कि पादप में कौन ऐसे कौन कौन से पादप है जो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। इसी तरीके से जंतु में भी ये था तो वो इनकी सबसे बड़ी कमी रह गई थी। उसके बाद में वही कि जो जीव है वो एक कोशिकीय है या नहीं है, जीव जो है वो एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है, उनमें भी अंतर संभव नहीं था, है ना। ऑर्गेनिज्म होता है यूकैरियोटिक सेल दो प्रकार की होती है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, तो उनमें भी अंतर जो अंतर है डिफरेंस वो भी नहीं कर सकते थे। और बात करें इनमें क्या था भी, जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटो सिंथेटिकली जो एल्गी है ना जिनको बोलते हैं स्वपोषी, और अप्रकाश संश्लेषण जो कवक इनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, है ना परपोषी, इनके भी बीच में अंतर नहीं था। तो कुल मिलाकर के इन्होंने एकदम सिंपल काम किया था, बहुत सिंपल काम किया था, है ना, जिसमें ज्यादा माथा बुढ़ी नहीं हो। इन्होंने दो ग्रुप बना दिया भाई, है ना, क्या बनाया, एक बनाया पौधे का ग्रुप, एक बनाया जंतुओं का ग्रुप, दैट्स ऑल। तो ये कुछ कमियां थी उनकी, है ना, जिसकी वजह से द्विज जगत जो पद्धति है वो फेमस नहीं हुई। ठीक है, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो हम उसको चर्चा कर रहे हैं। और आगे बात करें कि द्विज जगत के बाद में, द्विज जगत के बाद में अगला जो सिद्धांत आया था, अगली जो पद्धति आई थी वो पद्धति थी आपके त्रिजगत, है ना। अगला जो क्या था द्विज जगत के बाद में, अगला जो था वो क्या आया था अपना, वो आया था त्रिजगत पद्धति, है ना। तो देखिए द्वि जगत पद्धति किस थे थी, कैरोलस लिनियस, क्यों, क्योंकि उसको हमने पहले भी पढ़ रखा है, किसके लिए, द्वि नाम पद्धति। तो द्वि नाम पद्धति द्वि जगत याद रह जाएगा, कौन था, कैरोलस लिनियस, क्लियर। चलो अब देखिए, अब हम बात करते हैं त्रिजगत, क्या बात करते हैं त्रिजगत। तो देखिए इसको भी ट्रिक से याद करवा रहा हूं, देखिए इसमें कितने अल्फाबेट है, हेकल, है ना, साइंटिस्ट कौन है, हेकल। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि त्रिजगत में तीन डिजिट वाले, है ना, वैज्ञानिक का नाम है हेकल, तीन अक्षर हो गए ना, तो तीन अक्षर वाले वैज्ञानिक का नाम कौन है, अपने हेकल रह जाएगा यार। तो देखिए त्रिजगत सिद्धांत हेकल नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था। इन्होंने इन्होंने क्या करा, इन्होंने क्या करा, अरस्तु के जो दो थे, सॉरी कैरोलस नीलियस के, सॉरी, है ना, कैरोलस नीलियस के जो थे ना पादप जगत और जंतु जगत, उसमें एक और ऐड कर दिया, एक जगत को और ऐड कर दिया, और वो जगत था आपके प्रोटिस्टा, कौन सा था भाई, प्रोटिस्टा, क्लियर। तो रिपीट करता हूं, द्वि जगत सिद्धांत दिया था कैरोलस लिनियस ने, इन्होंने दो ग्रुप में बांटा था, पादप जगत और जंतु जगत, और इन्होंने हेकल महोदय ने एक और ऐड कर दिया, उसको नाम दिया जाता है प्रोटिस्टा। ध्यान रखना फ्रेंड्स, प्रोटिस्टा में जो सूक्ष्म जो जीव होते हैं, है ना, जो एक कोशिकीय, उनको रखा जाता था। ठीक है, चलो इसी क्रम में और बात करें, और आगे बात करें, जो अपना जो थर्ड जो पॉइंट है ना वर्गीकरण का, थर्ड जो था वो है आपके चतुर्जगत सिद्धांत। क्या है, चतुर्जगत सिद्धांत, तो इसको भी आप ऐसे याद कर सकते हो, कॉपर लेंथ, है ना। तो देखिए प, इसको प को आप चार करके लिख लो, है ना, यानी कि चार जगत, चार जगत रह जाएगा यार बेटा, है ना। तो कॉपलैंड लिखते हैं तो कॉपलैंड में प आ रहा है, और प को आप चार मान लीजिए, है ना। तो चार जगत जो सिद्धांत है उसी को क्या कहते हैं शुद्ध हिंदी में, आपके चतुर्थ जगत पद्धति। और इंग्लिश में बात करें तो फोर किंगडम थ्योरी, उसको बोलते हैं थ्री किंगडम थ्योरी, और इसको बोलते हैं टू किंगडम थ्योरी, है ना। तो टू किंगडम इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, थ्री किंगडम इज गिवन बाय साइंटिस्ट हेकल, हेकल, है ना। तो ये रहा। तो एक ट्रिक और है, देखिए अब एल जो है, एल को आप इस तरीके से लिख दें, एल जो है उस एल को आप तीन की लैंग्वेज में लिख दें, तो कैसे भी करके अपने को याद करना है ना बेटा। तो एक ट्रिक के हिसाब से बात करें तो उसमें तीन अल्फाबेट है, हेकल तो वो दिया था त्रिजगत, और कॉपलैंड में डिजिट के हिसाब से बात करें तब भी चार है, और प को आप चार के रूप में काउंट कर लें तो वो क्या हो जाएगा, आपके
चार जगत है, यानी कि चतुर जगत सर्व सिद्धांत है, इन्होंने दिया। इन्होंने क्या करा, कोई हैकल महोदय का जो था उसको फॉलो करते हुए, उसको फॉलो करते हुए एक और ऐड कर दिया। एक और क्या ऐड कर दिया, इन्होंने मोनेरा को ऐड कर दिया। अब बात आती है कि सर ये मोनेरा कौन है, तो देखिए मोनेरा में जितने भी सूक्ष्म जीव है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस है ना, सॉरी वायरस नहीं, वायरस को हम अलग से पढ़ते हैं फिलहाल, अगर ध्यान रखें तो बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया है ना, तो उनको इसमें रीड किया जाता है ना, यानी कि जीवाणु जो है, उन जीवाणुओं को, जितने भी बैक्टीरिया है उन सबको इसमें रीड किया जाता है। क्लियर फ्रेंड्स, तो यहां तक एक बार फिर से बताता हूं कि द्विजगत दिया था कैरोलस लिनियस ने, दो जगत बनाए थे पादप और जंतु, त्रिजगत सिद्धांत दिया था हैकल ने, एक और ऐड कर दिया प्रोटिस्टा। देन बात करें चतुर्जगत है ना, वो दिया था कॉपलैंड, एक और ऐड कर दिया मोनेरा, राइट। चलो बात करें आगे, चलो उसके बाद में और आगे बात करें, तो इसके बाद में जो पद्धति आई है ना, इसके बाद में जो सिद्धांत आया वो सिद्धांत था आपके पंचजगत सिद्धांत। वो सिद्धांत क्या था, वो था आपके पंचजगत सिद्धांत। क्या था, पंचजगत सिद्धांत। तो देखिए ये बहुत फेमस है भी, ये इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान में अभी तक तो सबसे फेमस जो है ना, वो यही सिद्धांत है, वो आपके यही सिद्धांत है। कौन सा, फाइव किंगडम थ्योरी, यानी कि पंचजगत सिद्धांत। और ध्यान रखना फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैज्ञानिक आर एस विट्टेकर। तो विट्टेकर साहब ने 1969, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, 1969 में जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों को आपके एक साथ रखा गया था, पांच अलग अलग जगत में, पादप जंतु प्रोटिस्टा और मोनेरा। गौर करें कि यहां एक और ये दो, ये किसने दिया था भाई, कैरोलस लिनियस ने, राइट, द्विजगत था। फिर एक और ऐड हो गया है ना, फिर एक और ऐड हो गया, वो हो गया आपके त्रिजगत है ना, ये क्या हो गया अभी त्रिजगत, ये किसने दिया था, हैकल ने। फिर बात करें इसमें एक और ऐड हो गया जिसको हमने क्या नाम दिया, चतुर्थ, यानी कि फोर किंगडम, ये मैंने चार लिख दिया है, और चतुर्थ, और वो किसने दिया था, कॉपलैंड ने। एंड देन एक और ऐड हो गया, उसको अपन क्या कहते हैं, पांच जगत है ना, फाइव किंगडम है ना, यानी कि पांच जगत। तो ये पांच जगत जो सिद्धांत दिया था वो दिया था आपके विट्टेकर साहब ने। किसने दिया था भाई, वो दिया था विट्टेकर साहब ने। तो देखिए ये एक ही लाइन में मैंने आपको सारे वापस बता दिए, रिपीट कर रहा हूं। पहला जो क्लासिफिकेशन था, पहला क्लासिफिकेशन क्या था, कैरोलस लिनियस का, पादप जगत और जंतु जगत, किंगडम प्लांट एंड किंगडम एनिमल। उसके बाद में त्रि सिद्धांत है ना, त्रि जगत सिद्धांत दिया था साइंटिस्ट हैकल ने है ना, वो क्या था, पादप जगत जंतु जगत और प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांट किंगडम एनिमल एंड किंगडम प्रोटिस्टा, राइट। देन थर्ड नंबर पर कौन आया, चतुर्थ सिद्धांत है ना, चतुर्थ सिद्धांत में हमने कॉपलैंड को क्या काउंट कर लिया अभी ट्रिक के हिसाब से, फोर्थ, तो वो क्या था, प्लांट एनिमल प्रोटिस्टा देन मोनेरा, किंगडम मोनेरा जगत एक और उन्होंने ऐड कर दिया। एंड देन फाइनली फिर क्या था, फोर्थ नंबर पर विट्टेकर साहब, आरएच विट्टेकर साहब, इन्होंने इन चारों के साथ में 500 और ऐड कर दिया, वो क्या था, फंजाई या फिर कवक। तो बेटा एक ट्रिक के हिसाब से इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, तो एक ट्रिक में एक साथ अपने को क्या, एक साथ अपने को ये सारे सिद्धांत याद हो जाएंगे। चलो बात करें आगे, तो देखिए विट्टेकर साहब ने है ना, आर एच विट्टेकर साहब ने 1969 में जितने भी जीव थे उनको पांच ग्रुप में बांटा, पादप जगत जंतु जगत प्रोटिस्टा मोनेरा एंड फंजाई है ना। तो इनको जो वर्गीकरण किया गया था है ना, इनका जब वर्गीकरण किया गया था तो आधार बेस क्या था भी है ना, तो वो जो बेस है वर्गीकरण का, जो आधार है वो आधार क्या रखा गया है ना। मैं रिपीट करता हूं कि वर्गीकरण जो किया गया था सभी सजीवों का, उनको अलग अलग ग्रुप किंगडम में बांटा गया, और वो क्या थे, किंगडम आपके पादप
जंतु, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई, है ना। तो उनको बांटने का जो आधार था, सबसे पहले बात करें कि कोशिका के आधार पर, यानी कि सेल कोशिका। अब कोशिका कौन सी है, है ना, इसमें अगर बात करें कि कोशिका प्रोकैरियोटिक है, या फिर यूकैरियोटिक, है ना, तो उसके आधार पर भी इनको क्लासिफाइड किया गया। फिर बात करें बॉडी स्ट्रक्चर, कि इनका जो बॉडी है, शरीर, थैलस, वो किसकी तरीके का है, ना, कि सेल लेवल पर है यानी कि सेलुलर है, या टिश्यू लेवल है यानी कि कोशिका के आधार का है, यानी कि संपूर्ण जो शरीर है वो कोशिका का बना हुआ है या फिर उत्कों का, समझ रहे बात को, तो वो आधार हो गया। फिर बात करें पोषण की विधि, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है कि दो प्रकार के जीव होते हैं मुख्य रूप से, एक स्वपोषी और दूसरे क्या होते हैं, परपोषी, है ना, परपोषी, इसको आप चाहो तो विषमपोषी भी कह सकते हो, है ना, तो उसके आधार पर भी जीवों को बांटा गया था। फिर बात आती है फोर्थ नंबर, प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन। फ्रेंड्स अगर आपको याद है तो छोटी कक्षा में आपने पढ़ा हुआ भी है और हमने चर्चा भी की हुई है कि जो जनन है, जनन आपके तीन प्रकार से होता है, कायिक जनन, अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन, है ना। तो मुख्य रूप से, है ना, मेनली तीन प्रकार के जनन होते हैं। कितने प्रकार से जनन होता है, तीन, कायिक, अलैंगिक और लैंगिक, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। ध्यान रखिएगा ये वेजिटेटिव इसी का ही पार्ट है, है ना, बट फिर भी हमने इनको अलग से लिखा है कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो तीन टाइप का होता है, असेक्सुअल, सेक्सुअल, इसी के अंदर है आपके वेजिटेटिव, राइट। एंड देन जाति वृद्धि और संबंध, यानी कि वो जो जीव है वो किस आधार पर, किस ग्रुप से विकसित हुआ है, किस वर्ग में, किस क्लास में वो बिलोंग करता है, तो ये मुख्य रूप से उनके आधार थे। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये जो पंच जगह जो सिद्धांत है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। चलो अब फ्रेंड्स अब अपन बात कर रहे हैं कि ये जितने भी जीव थे, है ना, तो पंच जगह जो सिद्धांत है उसको इन्होंने एक टेबल के रूप में, पूरा एक्सप्लेन किया था। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इस टेबल को आप अच्छे से याद करें, है ना। तो देखिए एक तरीका और बताता हूं मैं आप लोगों से, एक ही जो है वो रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टेबल को आप कम से कम दो बार लिखोगे भी, आप अपनी रफ कॉपी में, है ना, रफ कॉपी में इस टेबल को 2 टाइम ड्रॉ करोगे और उसकी पिक लेकर के आप मुझे जरूर सेंड करोगे, है ना, और मुझे पूरा विश्वास है आप सभी इसको एकदम अच्छे से याद करेंगे, है ना। अब कारण क्या है, वो कारण सुन लीजिए। अगर फ्रेंड्स अगर आपको टेबल याद हो जाती है ना, एक तो इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ये, दूसरा आने वाले जो चैप्टर है, है ना, चैप्टर थर्ड फोर्थ, वो कंप्लीट इसी के, ये उसका बेस है, तो फिर उसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी और एकदम आसानी से, आप उसको याद कर पाओगे, है ना। तो देखिए टेबल है क्या, उसको सुनिए भी, देखिए इसको एक ट्रिक से याद करवाता हूं कि पंचजगत सिद्धांत का फ्लो क्या है, ना, पंचजगत सिद्धांत को याद कैसे करना है, कि सबसे निम्नतम, सबसे लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म कौन है और सबसे हायर कौन है। तो एक ट्रिक से पहले मैं बात करूं, तो ट्रिक से बताना चाहूंगा, तो इसको आप ऐसे याद रख लें, एमपी में फ्रूटीपा, ट्रिक से याद कर लेंगे अपने, एमपी में फ्रूटीपा, है ना। तो देखिए एम से कौन है, मोनेरा, पी, तो एमपी से क्या हो गया, मोनेरा और प्रोटिस्टा, और जो फ्रूटी बनेगी अपनी, ना, तो जो फ्रूटी है वो फ्रूटी कौन है, फंजाई, कौन है, कवक यानी कि फंजाई। प्लांटी, पा का हो गया पी और ए का क्या हो गया अपने, एनिमेलिया, राइट। तो अपना ट्रिक क्या है, एमपी में फ्रूटी पा, राइट। तो सबसे लोअर एनिमल, ध्यान रखना फ्रेंड्स, सबसे सरल अविकसित, है ना,
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो होते हैं फ्रेंड्स मोनेरा। कौन होते हैं? मोनेरा, है ना। तो मोनेरा में देखिए, फर्स्ट अगर अपन बात करें, फर्स्ट बात करें तो देखिए, इनमें जो कोशिका यानी कि जो सेल टाइप है, यानी कि जो सेल का जो टाइप है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक। कौन होते हैं भाई? प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये गौर करना फ्रेंड्स, ओनली मोनेरा, है ना, मोनेरा को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव हैं वो सारे सारे यूकैरियोट्स होते हैं, है ना। तो केवल और केवल मोनेरा वाले जो भी जीव है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। एंड ऑल एनिमल्स इज यूकैरियोटिक, लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई, है ना। फंजाई को क्या कहते हैं? कवक, कवक, है ना। तो ये पादप प्लांटी, देखिए प्लांटी और कोई नहीं है, इनको पादपों को कहते हैं। पादप जो होते हैं उनको प्लांटी एनिमेलिया कहते हैं, अपने जंतु को। किनको कहते हैं? जंतुओं को। तो वो सारे के सारे क्या है? यूकैरियोट्स। देन सेकंड नंबर बात करें, सेकंड नंबर में है कोशिका भित्ति, यानी कि आपके सेल वॉल, सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल सेलुलोज रहित, यानी कि सेलुलोज नहीं होता। और आपके अमाइनो एसिड्स, ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें अमाइनो एसिड्स भी होता है इनके अंदर, है ना। तो ये सेलुलोज वाले होते हैं, बट सेलुलोज रहित, सॉरी, ये सेलुलोज रहित होते हैं, ठीक है, और अमाइनो एसिड से मिक्सअप किए हुए होते हैं। बाकी प्रोकैरियोट्स में कुछ कुछ जो होते हैं उनमें प्रेजेंट होती है। कवक यानी कि फंगाई में ध्यान रखना कि सेल वॉल तो है बट ये काइटिन युक्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इसको ट्रिक से याद कर रहा हूं, क से कवक और क से काइटिन, याद रह जाएगा। तो काइटिन से मिक्स हुई भी ये होती है, ठीक है। प्लांट में तो होती है सेलुलोज सहित, यानी कि सेलुलोज की बनी होती है, बट हाँ ये इंपॉर्टेंट है ना कि जंतुओं में ये नहीं पाई जाती, जंतुओं में ये नहीं पाई जाती। फिर बात करें केंद्रक झिल्ली, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें ध्यान रखना अब्सेंट होती है, प्रोटिस्टा में प्रेजेंट और उन सभी में प्रेजेंट होती है, क्लियर। देन फोर्थ नंबर पर बात करें कोशिकीय संरचना, काय का मतलब होता है फ्रेंड शरीर, क्या होता है? शरीर बोले तो बॉडी, है ना। तो बॉडी जो है सेलुलर टाइप की, कौन से टाइप की? अभी सेलुलर टाइप की, ठीक है, ये भी सेलुलर, बट इसमें बहुकोशिकीय, गौर करना फ्रेंड्स, ये एक कोशिकीय ध्यान रखना, है ना, जो कि प्रोकैरियोट्स है। तो बाकी जो सभी हैं वो मल्टी सेलुलर, और यहां आते आते टिश्यू सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम, कहां तक? ऑर्गन जो सिस्टम है वहां तक ये लोग डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद में बात करें फ्रेंड्स, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, पोषण, फिफ्थ नंबर पॉइंट है अपना, फिफ्थ नंबर पॉइंट है आपके पोषण यानी कि न्यूट्रिशन। अब देखिए, ये कुछ सपोषी भी होते हैं, कुछ मृतपोषी यानी कि परपोषी भी होते हैं, और कुछ परजीवी। तो इसको मैं एक बार आपको बताता हूं, ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, है ना, उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ या स्वपोषी, और जो किसी दूसरे पर निर्भर हो उनको बोलते हैं विषमपोषी, यानी कि आपके हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं, राइट। और जो किसी के शरीर के अंदर या किसी के ऊपर डिपेंड होकर के रहते हैं उनको बोलते हैं पैरासाइट यानी कि परजीवी, राइट। तो देखिए, प्रोटिस्टा भी स्वपोषी होते हैं, परपोषी, फंजाई की बात करें तो ये भी वही सेम है, बट हाँ ये ध्यान रखना भी, प्लांट्स जो होते हैं ये आपके ऑटोट्रॉफ होते हैं, क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ यानी कि स्वपोषी होते हैं, और जितने भी जंतु हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? परपोषी यानी कि आपके हेटरोट्रॉफ्स होते हैं, क्लियर। देन फिर सिक्स्थ जो बेस था, सिक्स्थ जो पॉइंट है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, प्रजनन की विधि क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे सिंपल प्रकार का जो प्रजनन है उसको बोलते हैं संयुग्मन, इसमें कहते हैं कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन, क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन, सॉरी, कॉन्जुगेशन, है ना। तो इसका, इसमें होता क्या है मैं यहां थोड़ा बता देता हूं, कि दो बैक्टीरिया जो है, है ना, एक ये बैक्टीरिया और एक ये बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं? अपने मटेरियल, अनुवांशिक पदार्थ को ट्रांसफर करते हैं, ये एक से दूसरे के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अभी फिलहाल आप इतना रख लीजिए समझ में, है ना, या हम जब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तो हम वहां इसको डिटेल से देखेंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखें, कंजुगेशन मींस जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, कि एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से अनुवांशिक पदार्थ दूसरे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, क्लियर। वो का वो इसमें भी पाया जाता है ना, बट इनमें फंगाई, प्लांट और एनिमल में ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्लियर रूप से निषेचन पाया जाता है, यानी कि लैंगिक जनन।
यानी कि लैंगिक जनन जो है वो इनमें पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये टॉपिक जो आपको पसंद आया होगा, बेहतरीन तरीके से आपने उसको सुना है ना, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए है ना, तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बार पुनः मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर करूंगा कि ये जो टेबल है ना, इस टेबल को आप टू टाइम लिख करके दो बार लिख करके उसकी पिक जरूर आप लोग शेयर करोगे। क्लियर? चलो, और इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग ले लो, क्योंकि इसको थोड़ा और अपन डिस्कस किया हुआ है इसमें। चलो, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।